सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि आपको 9th of May के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स वेडनेसडे के मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आज का सेशन कैसा गया। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो हमने देखा था कि निफ्टी में ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा था और हमने देखा कि वो 10,700 के आसपास जाके ही उसने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि अब निफ्टी थोड़ा हम कह सकते हैं कि वीक हो चुका है। जो मैंने आपको चार्ट कल दिखाए थे, तो मैंने चार्ट में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाया था जिसमें वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था पिवट पॉइंट्स का रेजिस्टेंस। तो हमने देखा आज भी उस लेवल पे उसने क्लोजिंग नहीं दी थी, उसके ऊपर नहीं ट्रेड कर पाया और वहीं तक मैंने आपको टारगेट्स दिए थे, वहीं से उसने बाउंस बैक दिया और वहीं तक आपको टारगेट्स अचीव हो गए थे। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने बोला था आपको बैंक निफ्टी को बाय जरूर करके चलना, 26,050 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और वही हुआ। मैं 26,050 के ऊपर तक के लेवल्स आते हुए दिख गए और वहीं उसने क्लोजिंग दी है। तो अब बैंक निफ्टी एक ऐसे रेजिस्टेंस में आके खड़ा हो गया है कि हम कह सकते हैं कि वहां से शायद वो नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ बाउंस बैक दे सकता है या अपवर्ड्स की तरफ दे सकता है। तो क्या चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है वो मैं आपको आखिरी इस वीडियो में आखिरी में बताऊंगा, तो उसको गौर से करके देखिए जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको जो स्टॉक सजेस्ट करे थे इंट्राडे के लिए, बंधन बैंक, SBI, कावेरी सीड्स, बर्जर पेंट्स, जुबिलेंट फूड। बंधन बैंक था अकेला जिसको मैंने आपको शॉर्ट करने की सलाह दी थी और हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा मूव दिया था तब भी बंधन बैंक नीचे गया था और हमारा जो पहला टारगेट था हमें अचीव हो गया था। तो हमें पहला टारगेट तो बहुत आसान से अचीव हो गया था और बहुत हल्के हल्के नीचे गया था बंधन बैंक, तो आपको प्रॉफिट कमा लिया होगा। SBI की बात करें तो SBI में हमें दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए थे, तो आपने उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया होगा। कावेरी सीड्स की बात करें तो हमने देखा था कि शुरुआत में ही कावेरी सीड्स ने गिरना शुरू कर दिया था और जब वो गिरना शुरू हुआ तो शुरुआत के 5 मिनट में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो आपने कावेरी सीड्स में ट्रेड नहीं लिया होगा। अगर हम बात करते हैं बर्जर पेंट्स में, तो बर्जर पेंट्स में भी हमें दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए और जुबिलेंट फूड ने भी जो मैंने आपको टारगेट बताया था उसी टारगेट से उसने बाउंस बैक दिया और हमने लो लेवल्स आते हुए उसमें देखी थी। तो अगर आपने जुबिलेंट फूड में भी ट्रेड करा होगा तो पहला जो मैंने आपको टारगेट बताया था वो वहीं पर उसमें ओपनिंग हुई और सेकंड टारगेट पे उसने अपना हाई बनाया, वहीं से जाके हमने उसमें गिरावट आते हुए देखी थी। तो आपको अच्छा खासा आज आपका सेशन रहा होगा अगर आपने इन सब में ट्रेड लिया होगा। तो कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं और मैं बेट कर सकता हूँ कि ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऑयल इंडिया, अबांड, जिंदाल स्टील, HDFC लाइफ, टाटा मोटर्स। तो आप इन पांच स्टॉक्स पे बेट कर सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि ये मैं अपनी स्ट्रैटेजी से बता रहा हूं, जो मैं जिस स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड करता हूं हमेशा वो स्ट्रैटेजी के साथ आपसे बता रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि ये आपको अच्छा खासा मुनाफा घर लेकर जाते हुए देख सकते हैं। तो ऑयल इंडिया सेल करने की सलाह दी जाएगी 224-218 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 230.20 का लगा के चलना पड़ेगा। अबान ऑफशोर सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 164.45-160 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 170 का लगा के चलना पड़ेगा। जिंदाल स्टील की बात करें तो हमने देखा था कि हमने उसमें शुरुआत में गिरावट आते हुए देखी थी पर हमने उसमें एक रिकवरी आते हुए भी देखी, पर उस रिकवरी को वो सस्टेन नहीं कर पाया और हमने उसके फिर हम लो लेवल्स की तरफ बढ़ते हुए देखे और इसमें ज्यादातर सेलिंग प्रेशर ही हमने आते हुए देखा है। तो सेल करने की सलाह दी जाएगी 254.40 के टारगेट के साथ, 249.70 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 261 का लगा के चलना चाहिए। HDFC लाइफ बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें, मैं आपको बताता हूं अगर कल ये थोड़ा नीचे खुलता है तो मैं आपको बता रहा हूं स्टॉप लॉस के नीचे खुलता है तो आपको इसको बाय नहीं करना है। अगर ये 505-506 के आसपास खुलता है
तो आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 503 का लगा के चलना पड़ेगा। टारगेट आपको आखिरी जब मार्केट क्लोज होगा उससे पहले पहले तक आपको टारगेट्स अचीव होते हुए HDFC लाइफ के अंदर दिख जाएंगे। तो अगर थोड़ा ऊपर खुलता है तब भी आप बाय कर सकते हैं, वरना आप वेट करिए कि अगर आपको 506 507 के आसपास मिलता है तो भी आप उसे बाय कर सकते हैं। टाटा मोटर्स सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट के हिसाब से गलत यहाँ पर शो कर रहा होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ चार्ट स्ट्रक्चर में। आपको मैं चार्ट में लेकर जाऊंगा तो वहां पर आपको टाटा मोटर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दूंगा मैं। तो इसको अभी आप निगलेक्ट करिए, चार्ट स्ट्रक्चर में अभी आपको मैं दिखा दूंगा। निफ्टी की बात करें तो हमने आपको बताया था कि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस के पास खड़े हुए, और वहां से मुझे लगता है कि वहां से हमें शॉर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो वो भी बढ़ चुका है और मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुकी है। ओवर सोल्ड में हम जा चुके हैं, हम कह सकते हैं ओवर बॉट सिचुएशन हो चुकी है, तो हम गिर सकती है मार्केट। गिरने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा खासा हम करेक्शन लेंगे, पर थोड़ा सा हम एक रिकवरी के दौर में, हमने जितनी अच्छी रिकवरी दिखाई है अब वहां से शायद हम थोड़ा बहुत बाउंस बैक दे सकते हैं। एक खास बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत जरूरी है कल के मार्केट के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करना है। अब हम देखते हैं कि जब डाउ जोन्स की मार्केट ओपन होगी, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और लेट थोड़ी पोस्ट हो पाएगी क्योंकि मेरे इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर डाउ जोन्स मार्केट ओपन होगी, यूएस की मार्केट ओपन होने वाली है, तो हम देख सकते हैं कि यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ट्वीट करेंगे कि ईरान के साथ जो वो लोग डील करने चाहते हैं कि वो डील करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यही टेंशन लगी हुई है। उसकी वजह से यूएस मार्केट एक वॉलेटाइल हो सकती है, हमारी कल सेशन में मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकती है। अगर वो जो डील है कि वो कैंसिल कर देते हैं ईरान के साथ, तो हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे यूएस के मार्केट पे, और हमारी जो मार्केट है वो उसके क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से गिरेंगे। गिरने का इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4% तक हमारी क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर सकते हैं, और 72-73 तक हमारे क्रूड ऑयल की प्राइसेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट पे भी एक हार्मफुल असर हो सकता है, एक हार्म हमारी इंडियन मार्केट पे भी पड़ सकता है कल के सेशन पे। तो हमें वॉच करना है। आप भी जब कल मार्केट को वो निफ्टी जब मार्केट ओपन होने वाली होगी, उससे पहले आप ट्विटर पर जाके ट्वीट जरूर पढ़िए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट करके भेजा। अगर वहां पर उन लोगों ने जो उनकी जो थी, उन्होंने जो डील हो रही थी, अगर उस पर पाबंदी लगा देते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट कल गिर सकती है, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, अगर निफ्टी 10,700 के नीचे खुलता है तभी आपको, वरना 10,700 के नीचे जाता है तभी आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है, क्योंकि 10,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है हमारी मार्केट के लिए या निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने आपको बताया था कि ऊपर के लेवल से अब हम शायद कह सकते हैं कि एक डाउनवर्ड बन सकता है, तो 25,910 25,800 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। 26,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। तो अब आपको मुझे टाटा मोटर्स का एक तो चार्ट दिखाना है, और हमें हम बैंक निफ्टी की तरफ और निफ्टी के चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए खुद की ये एक पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस था जिसे वो क्रॉस नहीं कर पाया, और 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो एक हर्डल था उसे निफ्टी 4 ट्रेडिंग सेशन से, या हम कह सकते हैं कि 5 ट्रेडिंग सेशन से वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो कि लेवल हमें 10,780 का शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हमें एक रिवर्सल आते हुए देख सकते हैं, और हमने खुद ही देख लिया था कि आखिरी के टाइम पे हमने इसमें निफ्टी ने हमें लोअर लेवल्स बनते हुए देखे थे, और वो अपने क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड करते हुए हमें दिख गया था। तो हम कह सकते हैं यहां से हमें एक सेल ऑफ आते हुए देख सकते हैं, जो हमें यहाँ तक के हमें जो सपोर्ट है वहां तक लेकर जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आप निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं, पर अगर वो 10,700 के लेवल यानी 10,700 के लेवल को क्रॉस या ब्रीच करता है तभी हम शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो बैंक निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर है 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, और हम कह सकते हैं कि कल के सेशन तक ये 50% तक पहुंच सकता है, और जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे आपको फुलफिल होते हुए दिख गए होंगे। पर हम कह सकते हैं 50% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है वहां से हम कह सकते हैं कि वो दोनों साइड में रिवर्सल दे सकता है, और जिस तरीके से हमने देखा था कि हमें निफ्टी में सेल ऑफ आते हुए देखा था आखिरी के घंटे के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि शायद बैंक निफ्टी भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें वीक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, पर हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ी मुनाफा वसूली हम देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या मार्केट के अंदर, तो ये हमें लोअर लेवल्स आते हुए दिखा सकता है।
तो इसको भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको बेट करके चलनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट की तरफ। तो गाइस मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, आर्ली चार्ट ओपन करा हुआ है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था जो चार्ट टाटा मोटर्स के लिए, वहां पर हम कह सकते हैं कि आजकल ये शायद इस सपोर्ट को भी तोड़ दे, जो 330 या 328 का जो सपोर्ट है, अगर इसके नीचे निकलता है 328 के नीचे, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप इसे शॉर्ट करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर 338 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, जो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे अगर ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स में अपसाइड बन सकती है, पर शायद ये कल या परसों 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि इसे ब्रीच ना करे या इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे पाए। तो ये से स्टॉप लॉस मान के आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पर टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, वो टारगेट आपको आते हुए दिख रहे हैं 324 का, और जो नेक्स्ट टारगेट आपको आते हुए दिख रहा है वो आपको 320 का आते हुए दिख रहा है। तो मैंने आपको टाटा मोटर्स को सेल करने की सलाह दी है, तो आपको टाटा मोटर्स को सेल करने की ही सलाह दी जाएगी, आपको इसको सेल करके चलना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल बाय क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी आपको दिख रही है। तो ज्यादातर हमने टोटल सेल क्वांटिटी इसमें बनते हुए दिखे, मतलब लोग अपनी शॉर्ट को पोजीशंस बना के गए हैं टाटा मोटर्स के अंदर, और आप देख सकते हैं किस लेवल से बना के गए हैं। हम कह सकते हैं इसमें गिरावट आ सकती है, तो आप एक इसे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में ले सकते हैं। आप कल मार्केट को वॉच करें तो उससे पहले आप मार्केट ओपन होने से पहले जरूर देख लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट करेंगे वो नेगेटिव आता है हमारी मार्केट के लिए या पॉजिटिव आता है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल पे जो इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप शायद जो उन्होंने डील करी है वो डील शायद कैंसिल कर सकते हैं, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल हमारी मार्केट में गिर सकता है, और बहुत तेजी से क्रूड ऑयल गिरेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट करे हैं उन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आते हुए दिख सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो एविएशन सेक्टर कंपनीज है, जो टायर सेक्टर्स कंपनीज है, वो भी आउट परफॉर्म कर सकती है। पर मार्केट में आपको बता रहा हूँ कि वीक लग रहा है और शायद कल हम एक शॉर्ट देख सकते हैं, तो मैं आपको बाय करने की सलाह उन पे अभी नहीं दूंगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके बता दूंगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको HDFC को शॉर्ट करके चलना है, तो अगर आपने उसमें शॉर्ट करा होगा जो मैंने आपको चैनल के अंदर बताया था, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप मेरी नोटिफिकेशन पा पाएंगे जब भी आपको मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा, और बेल आइकन साथ में जरूर दबाइए। तो मैं शिवांश बसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।